सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो गाइज, जस्ट अभी सुबह हो रहा है, करीब करीब 6 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज है बकरा ईद, मतलब बकरा ईद आज है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और चलिए भाई चलते हैं, मतलब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। जस्ट सुबह नहा वहा के मैं निकल चुका था, तो मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा है गाइज, तो मैं सोचा चलिए आज ईद के मौके पर मैं ब्लॉग को शूट कर दूँ, मतलब बना दूँ। तो बस चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं करेंगे आज। नहीं, मैं चलता हूँ स्कूल पर, वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपना। तो दोस्तों, फिलहाल स्कूल पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर पहले वज़ू बना लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल वज़ू बना लिए हैं, बाहर काफ़ी मस्त हवा चल रहा है, तो अभी चलते हैं अंदर, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं गाइस। दोस्तों, फिलहाल नमाज़ ख़त्म हो चुका है और देखते हैं कुछ सब लोग आ रहे हैं, अब चल रहे हैं घर पर। घर पर काम है, बकरा वगैरह कुर्बानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे थे मानिकचंद, अभी घर से मतलब इतना सारा काम था कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाया यार। वहाँ से नमाज़ पढ़ के आया, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला, तो अभी शाम हो चुका है, अभी नहा वहा लिए हैं और अभी चलते हैं मानिकचंद। और मानिकचंद जा रहे हैं वैसे घूमने के लिए, थोड़ा बहुत काम है, और बाकी यहाँ पर समय में दूसरे भाई जा रहे हैं। मारा सर भाई, अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। बस ब्लॉग को देखते रहेगा आप लोग। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मानिकचंद। मोमोज खा चल। तो गाइस, अभी थोड़ा बहुत सामान लेते हैं मानिकचंद से, फिर निकलते हैं दसिया। ये देखो लोग खरीद तो नहीं, यूट्यूबर है बहुत बड़ा, एक मिलियन बहुत अच्छी तरह लीला है। तो दोस्तों, यहाँ पर पता नहीं क्या आलू का कुछ ताज़ा बना के रखा है, चलिए इसको खाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग मतलब मानिकचंद से आ गए हैं घूम टहल के, और मैं ऐसे ही बैठा था, मैं आप लोगों को कुछ बात करने वाला हूँ आप लोगों से, मतलब इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था मैं आपको बता दूँगा इस, मतलब कुछ दिन से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं उसकी वजह से ब्लॉग नहीं डाल पाया। उसके बाद एग्ज़ाम जब खत्म हो गया तो मैं घर पर आ गया, और घर पर मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घर पर आ गया था मैं, और घर पर गाँव में क्या ही बनाएं, कभी कभी माहौल नहीं बन पाता, उतना बढ़िया माहौल नहीं मिल पाता है, और मतलब फालतू वीडियो ऐसे डेली लाइफ उतना मज़ा नहीं आता है बनाने में, पता नहीं क्यों। मैं चाहता हूँ अगर बनाऊँ तो बेहतर एक ब्लॉग रहे, अच्छा ब्लॉग रहे, तभी मन करता है, क्योंकि कभी कभी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा अंदर से तो मन रहता है कि ब्लॉग बनाने का, लेकिन कुछ ऐसा मतलब माहौल नहीं मिलता कि मैं ब्लॉग बना सकूँ गाइस, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। एक्चुअल में यही बात है, मतलब मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन सोचता हूँ किस टाइप का ब्लॉग बनाया जाए, कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिलता है, और डेली लाइफ स्टाइल में मैं क्या दिखाऊँ, मतलब मेरे घर में कोई से मैं अकेला हूँ, जो कि मतलब बच्चों में लड़कों में अकेला मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, बाकी घर में ज़्यादा कोई है नहीं, तो घर में इसलिए मैं ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, और बाकी बाहर गाँव में ज़्यादा लोग हैं नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं ब्लॉग को नहीं बना रहा था गाइस। ऐसे ही टाइम चल रहा था और एग्ज़ाम की वजह से कुछ दिन तक नहीं, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए करीब करीब 20-22 दिन से 25 दिन से ब्लॉग नहीं आया गाइस। कभी भी इतना लंबा गैप नहीं हुआ था मेरे हिसाब से, मतलब 15 दिन हाइएस्ट गैप था मेरा अभी, मतलब पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अभी बहुत लंबा गैप हो गया है। बहुत बार मैं सोचता हूँ मतलब लगातार ब्लॉग बनाया जाए, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ फिर दिमाग से हट जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मतलब ट्राई ज़रूर करेंगे, मतलब इधर उधर सिटीज़ का ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाला, कुछ दिन में हमारे आसपास जो भी छोटा छोटा सिटीज़ हैं वहाँ के ब्लॉग दिखाएंगे, और वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट रहेंगे ये सब चीज़ें रहेंगे उसके बारे में आपको दिखाएंगे ब्लॉग, और घूमेंगे टहलेंगे वो सब दिखाएंगे आपको। तो बस चैनल पर बने रहना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना गाइस, अगर पहली बार आए उस वीडियो पर, तो ब्लॉग डालूंगा आगे कुछ दिन में, लेकिन अभी इस टाइम पर नहीं डाल रहा था, ट्राई कर रहा हूँ गाइस, जैसे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे, ट्राई करेंगे कि हाँ बेहतर बेहतर ब्लॉग बने, क्योंकि अभी एक पेपर और बाकी है मेरे एग्ज़ाम का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर देखेंगे, शायद मतलब कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे आपको अपडेट मिल जाएगा गाइस। बस इस वीडियो के अंदर आपको यही बताना चाह रहा था। और चलिए, अभी शाम हो चुका है, करीब करीब अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और मैं मानिकचंद से वापस आ रहा था, रास्ते में मैं शूट कर रहा था ब्लॉग, जस्ट रोड के बगल में हूँ, तो बस अब चलते हैं घर, और अभी तो कुछ हो सकेगा तो आपको दिखाते हैं, अभी ब्लॉग को एंड नहीं कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वापस मानिकचंद जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक सामान भूल गया हूँ यार, वहाँ पर मैं गया था काम से लेकिन कोई काम ही नहीं हो पाया, मतलब एक सामान मैं भूल गया हूँ, दोबारा जा रहा हूँ वापस, मतलब ज़्यादा थोड़ा दूर आया, याद आया, दोबारा जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, तब चलते हैं घर, चलें। देखो गाइस, भाई साहब बड़का भैंसिया मोटका, देखो गाइस, देखो यार वीडियो तो लोग देख ले तो यार, मर दे
वीडियो देखा था यार, कम से कम लाइक तो कहीं दिया करो यार, शर्म नहीं आओ थी, वीडियो देख के भाग जाते हो। आज लाइक करके जाओ जब हमारी वीडियो देखी थी वो यहाँ तक, यार लाइक कर दो यार, नहीं ऐसा नहीं यार देखा करो, लेकिन खुशी खुशी लाइक कर दो यार कब कब। आपको एक चीज़ बता देते हैं गाइस, मेरे पीछे जो कैमरा मैन है ना वो सोचता है मेरा सब्सक्राइबर घटे, ये लड़का जो है ना वो सोचता है मेरा सब्सक्राइबर घटे, ये सोचता है हमारा सब्सक्राइबर घटे, हमेशा सोचता है कि सब्सक्राइबर इसका घट जाए, मतलब जलनखोर आदमी है, समझ सकते हैं आप लोग गाइस, बहुत जलनखोर है, एकदम रियल में जलनखोर ये आदमी है। अगर हमारा व्यूज़ बढ़ेगा ना तो उसको बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी कैमरामैन बना रहा है, मोबाइल को हिला रहा है। चलिए चलते हैं भाई साहब। फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ और खाना वगैरह भी खा चुका हूँ, नहा चुका हूँ, मतलब मानी चंद से वहाँ पे गया वापस लेके सामान आया, और मैं रास्ते में ब्लॉग वगैरह शूट ही नहीं किया था यार, और आया घर पे, गर्मी लग रहा था तो मैं नहा वहा करके फिर खाना खाया, फिर ब्लॉग को मैं एडिट कर रहा था, पूरा ब्लॉग लगभग मैंने एडिट कर लिया है। तो बस आई होप से ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट था जो मैंने कट नहीं किया था, वैसे अच्छा लग रहा था, तो आई होप से अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा है तो ब्लॉग पसंद आएगा, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, फिर से मैं कह रहा हूँ गाइस।